अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक मसला डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो मुझे ब्लेंडर के स्टार्ट में काफ़ी मसला आया था कि एक मटेरियल का एडिटेबल कॉपी एक ऐसा डुप्लीकेट जो आप चेंज करें और ओरिजिनल मटेरियल पर भी चेंज ना हो। मुझे काफ़ी वक्त सोल्यूशन का नहीं मिला और जब मैं इसके अंदर तो मैं इतना हैरान हुआ कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक मटीरियल है, ठीक। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँ डिफरेंट कलर के साथ एक सी के साथ, तो मैं शुरू शुरू में पूरा पूरा मटेरियल लेस से बनाता था, वो काफ़ी मसला बन जाता था। तो उस वजह से मैंने कहा इस बारे में एक ट्यूटोरियल बनाता हूँ। तो मैं सोचता था शायद शिफ्ट डी से यहाँ पर क्लिक करके बनेगा या राइट क्लिक करके कॉपी करके बनेगा, लेकिन इस तरह से नहीं होता था। तो यहाँ पे फिर हम लोग एक नया मटेरियल बना देते हैं सर्कल के लिए। मैं सर्कल के लिए ऐसा मटेरियल बनाऊंगा जो इससे सिमिलर होगा ट्यूब वाला मटेरियल से, लेकिन कलर डिफरेंट होगा। ये देखिए रेंडर व्यू में आके देखें कि इसका मटेरियल अगला कलर में सर्कल के लिए बनाऊंगा। तो हम लोग शेडर एडिटर में जाते हैं, ठीक। शेडर एडिटर में ये देखिए मेरे पास ये नोट्स हैं और इस मटेरियल की। अब समझ लें मैं एक सर्कल के लिए ये डिफरेंट कलर है चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट कलर्स हों, तो मैं पूरे तरीके से नोट्स लिखूंगा, ज़्यादा मसला होगा। अब ये तो दो तो, 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 तीन नोट्स हैं, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर समझ लें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल है, 14-15 नोट्स हैं, तो उसमें ज़्यादा मसला आपको होगा क्रिएट करने में। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करें, कॉपी कर लें कलर रैम तक, यहाँ से कॉपी करें। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था कि पहली बार इतना सिंपल है। और शेडर थ्री डी व्यू पर जाके सर्कल का हम लोग क्लिक करते हैं, फिर इसे हम लोग शेडर एडिटर में प्लेस कर देते हैं। और फिर मैं इसके कलर्स को चेंज कर देता हूँ रेड और ग्रीन, ठीक। और फिर हम लोग जाते हैं थ्री डी व्यू पर, तो देखिए वही मटेरियल जो है अब सर्कल के ऊपर डिफरेंट कलर्स के साथ है और जो ओरिजिनल मटेरियल है क्यूब का वो सेम है। तो उम्मीद है आपको सबको सीखने को मिलेगा, ठीक है, इन टेक्निक्स को अप्लाई करें। और अगर आपको कोई ब्लेंडर के बारे में सवाल है या सिंफी के बारे में सवाल है तो जरूर कमेंट्स में लिख करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बहुत हेल्प हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।